तो क्या हाल है आप सभी के गाइस, मैं आ गया फिर से नई वीडियो लेके। तो गाइस आज का हमारा दिन कुछ ऐसे होने वाला है कि जैसे हमें आज तीन जगह जाना है, ऑफिस के काम से बाहर जाना है, प्लस हमारे को शाम को किसी से मिलने जाना है लड़की से आई मीन, और हमारे को नाइट स्टे पे जाना है आज रात को मेरे दोस्त के घर पर। तो पहले ऑफिस का काम निपटाते हैं और हम वहीं जा रहे हैं अभी जेडो, तो एक बार वहाँ चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ इस बार की वहाँ पर कैसा ऑफिस है। मतलब थोड़ा पुराना टाइप का ऑफिस है, पर एक बार दिखाता जरूर हूँ आपको। तो गाइज ऑफिस के मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए नई दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जैसे कि आपने उन्हें पहले भी देख ही रखा है, और अभी वहां जा रहे लिफ्ट की तरफ। और मैंने तो अभी इंट्रो भी शूट नहीं करा अपना, अभी ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा था, मैं बस लिफ्ट की तरफ जा ही जा रहा हूँ। ऑफिस से फ़ोन आ गया टीम की, कहाँ है, मैं बाद में अभी इंट्रो शूट कर लूँगा, पहले ऑफिस चलते हैं लिफ्ट पर लेते हैं, ग्राउंड आ ही रही है। चलो ये उसके बाद सीधा मैं आपको एक बार ऑफिस दिखाता हूँ, फिर सीधा ऑफिस में मिलता हूँ एक बार आपसे, क्योंकि आज ऑफिस के काम से मेरे को बाहर भी जाना है, तो मैं आपको सीधा एक बार ऑफिस मिलता हूँ। तो गाइज ऑफिस पहुँच गए और हमारे ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी मैं जब जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है वो। बाहर ऑफिस पहुँच गए, ये हमारा कुछ ऑफिस है आपने देखा ही हुआ है, और इतना शोर मचा रखा है इन्होंने पता नहीं किस बात के लिए, बाहर जाके देखता हूँ एक बार किस जात का शोर मचा रखा है। गाइज मैंने बताया था कुछ ना कुछ तो हो रहा है नीचे, यहाँ पे किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, और किस चीज़ के तार लगा रहे हैं वो नगर निगम का ही बोल रहा है, उल्टा नगर निगम का कुछ हो रहा है ये। चलो छोड़ो हम चले अपने काम पे। गाइस ऑफिस से काम से आईटीओ जा रहे हैं पैदल चल के, मैंने कहा क्या ही वह स्कूटी वूटी लेके जानी, थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए वरना हम तो मेट्रो या किसी चीज़ में ट्रैवल करते हैं। बाकी ये कुछ पेपर जमा कराने जाने हैं और हम पैदल ही चल रहे हैं। बाकी मैं इंट्रो कर रही नहीं तो मैं कर देता हूँ, क्या हाल आप सभी के, तो मैं आ गया फिर से एक नई वीडियो लेके। तो आज हमारा दिन कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब हमें तीन चार जगह जाना है, शाम को किसी से मिलना है, रात को किसी के नाइट स्टे करनी है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगा किस क्या करनी है। बाकी गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में ना प्राइवेट नौकरी मत करना, या तो अपना बिजनेस करो या सरकारी नौकरी प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट में कभी भी सैलरी नहीं मिलती है इसको। और सरकारी ऑफिस में भी अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो क्या कहते हैं वहाँ पर, एक तो बहुत अजीब सा लगता है और अलग अलग सी वाइब आती है, लाइक लगेगा कि तुम सरकारी हो बट हो तुम प्राइवेट, जब सामने आने को पता लगेगा। तो ठीक है गाइस अभी चलते हैं, और अभी इस टाइम में भूख लग रही है, ऑफिस वापसी ऑफिस जाके लंच भी करूँगा। बाकी इस टाइम पे रोड पे चल रहे हैं, बाकी एक बार जहाँ पे पहुँचना है मेरे को ZEO होता है, मतलब एक यहाँ पर कंपनी है जहाँ पर पता लगता है। एक मिनट गाइज मैं वहाँ पर जाके मिलता हूँ फिर आपसे। तो गाइज आप लोगों को एक चीज़ बतानी तो रह ही गई कि कल मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ, काफ़ी टाइम से कुछ दोस्त वगैरह हम साथ थे और सडनली छू मंतर गायब। क्यों? क्योंकि सडनली उनके घर वालों को मैं अजीब लगने लग गया, बुरा लगने लग गया। तो गाइस ऐसे दोगले दोस्तों से दूर ही रहा करो, और हो सके तो दोस्ती करो ही मत ऐसे दोगले दोस्तों से। ये ZEO है, देख सकते हो कितना पुराना टाइप का ऑफिस बनाओ, बट यहाँ पे सारे गवर्नमेंट बिल पास होते हैं, जैसे मैं भी एक लेके आया हूँ, तो ऊपर चलते हैं और बिल जमा कराते हैं अपना अभी, और फिर ऑफिस चलेंगे वापसी। देख सकते हो कैसे पुराने टाइप का बना हुआ है। आज मैंने सोचा कि हम पैदल ही चलते हैं घर ऑफिस से, ऑफिस मेरा 9 किलोमीटर है मतलब घर से अराउंड, तो अभी मैं पैदल चलना स्टार्ट करा है ऑफिस से। ये पहाड़गंज का फ्लाईओवर है, तो अभी मैं थक गया हूँ वैसे तो बहुत, तो फ्लाईओवर पार करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से सीधा झंडे वालन पहुँचूँगा, झंडे वालन से फिर आज़ाद मार्केट से फिर अपने घर। तो ऐसे ही बने रहो, मैं आपको दिखाऊँगा कि कोई पैदल कितना आ सकता है। मेरी जो कैपेसिटी है वो 20 किलोमीटर की है एक दिन में, कि मैं एक दिन में 20 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। ठीक है गाइस तो एक बार चलते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ रस्ते में साथ साथ। पहाड़गंज है सारा, जहाँ पर आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते दामों में, जहाँ तक वो लास्ट तक दिख रहा है आपको वो पूरा पहाड़गंज है, मैं अगर जूम करके दिखाता हूँ यहाँ तक, ये पूरे अंदर होटल ही होटल बने पड़े हैं। और इसको पार करने के बाद आएगा झंडे वालन मंदिर, फिर फिल्मिस्तान, फिर आज़ाद मार्केट, फिर हमारा घर। तो अभी तो सफ़र शुरू हुआ है गाइस, और टाइम देख सकते हो क्या हुआ है, 5:15 होने में 5 मिनट है। चलो चलते हैं, और हालत देख लो मेरी शक्ल से क्या लग रही है आपको। तो अभी तो ट्रिप स्टार्ट ही हुई है हमारी, चलो चलते हैं फिर। तो गाइस हम पहाड़गंज हमने पूरा कर दिया, वो पहाड़गंज से पूरा आते आते हम झंडे वालन की लाल बत्ती पे आ गए,
अब यहाँ से राइट होते पूरा झंडे वाला लग जाएगा और पहाड़गंज ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सीधा झंडे वाला मंदिर दिखाता हूँ, एक बार देखो ये। तो भाई ज़ेरा झंडे वाला मंदिर, और झंडे वाला मंदिर के पहले यहाँ पे गेट हुआ करता था, वो तो तोड़ दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों तोड़ दिया। बट मैं बोली क्लिप लगाऊंगा एक बार, बोली चेक करना झंडे वाला मंदिर की जो गेट तोड़ते हुए क्लिप है। अभी भी यहाँ से घर हमारा थोड़ा दूर है। जय माता दी दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारी दिल्ली के झंडे वालन मंदिर का गेट है, जिसको कि अनाग्रहित निर्माण कहकर गिरा दिया गया है। हम सब हिंदुओं के लिए ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि ये सब हो गया और हम सब अपनी घरों में रजाई में घुसकर सोते रह गए। सभी माता के भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों। झंडे वालन वाला वो बत्ती पार करी, फिल्म स्थान की तरफ जा रहे हैं। कई लोगों को लग रहा हो कहीं कि मैं रिक्शा विक्शा में जा रहा हूँ, बट देख लो स्टिल मैं पैदल ही चल रहा हूँ मैं, और अब फिल्म स्थान की तरफ जा रहा हूँ। और अभी मेरे को मैंने पुच्ची को फ़ोन करा है, वो मेरे को आज़ाद मार्केट लेने आ रहा है, बट शायद ही उसने मेरे को कन्फर्म नहीं बोला अभी। तो उसके बाद पहले मैं फिल्म स्थान पहुँचता हूँ, फिर आपको फिल्म स्थान दिखाता हूँ। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से जंडन वाली बत्ती से पार करने के बाद फिल्मिस्तान की तरफ, मतलब आज़ाद मार्केट की तरफ जाने वाली साइड पे। तो अभी वहाँ चलते हैं, फिर फिल्मिस्तान पे मिलता हूँ मैं उससे एक बार। गाइस ये रहा फिल्मिस्तान जो बंद हो चुका, और ऑफिस से चल चलते पैदल मैं फिल्मिस्तान तक आ गया। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा और घर बचा है पहाड़ आज़ाद मार्केट, और वहाँ से फिर प्रताप नगर। ये देखो पहले ऐसा फिल्मिस्तान हुआ करता था, बंद हो गया, पर अभी फाइनली आज़ाद मार्केट पहुँच गया। ये सामने सारा आज़ाद मार्केट है, ये अपना घर की तरफ जाता रास्ता। पुच्ची को फ़ोन करा है, वो आ रहा लेने, उसका वेट करता हूँ एक बार खड़ा होकर यहाँ पे। पुच्ची लेने आ गया मेरे को, पैरों की हालत ख़राब है, बट फिर भी मैं अभी 10 किलोमीटर और चल सकता हूँ। इसके बाद बैठ के पहले घर जाता हूँ, घर जा कर कुछ खाऊँगा, उसके बाद आपसे कुछ बात करनी है वो बात करता हूँ। एक बार घर पहुँच गए फाइनली। लल्ला ब्रो, लल्ला ब्रो, अब इतनी लेट मोमो लगाया, आज तो तेल भी चेंज कर लिया। ओए महंगे से सरसों के तेल से फॉर्च्यून में। ओए क्या बोलिए, सरसों के तेल से फॉर्च्यून में। प्रियांशु भाई के घर आ गए। प्रियांशु भाई पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, क्या कर रहे हो भाई ये? कॉपीराइट आ जाएगा, प्लीज बंद कर दो यार, पॉज कर दो प्लीज, कॉपीराइट आ जाएगा। तो प्रियांशु भाई फिर व्हाट्स द प्लान? प्लान क्या, खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा एंजॉय करते हैं। बाकी इन्होंने मछलियाँ पाल रखी है, देख लो पिराना येरी। लाइट जला के दिखा दो एक बार प्रियांशु भाई कस्टमरों को, कस्टमर कह रहा हूँ। ये देखो गाइस पिराना येरी, अरे यार ब्लर मार रहा है। ये देखो ये भागी येरी, मछलियाँ पालने का शौक रखते हो। लो फोन आ गया। खाली बैठे थे और हमने सोचा कि मूवी लगा ले, कोई आर्या लगा के बैठे हम, और यहाँ सबे से हमने खाना मंगा लिया। गांधी भी ऑफिस से आ ही गया था, प्रियांशु भाई ये बैठे, ठीक है। और गाइस मैं बैठा हूँ अपना, मस्त पिक्चर चल रही है इस टाइम पे, और हमारे साथ एक चोट हो गई है। हमने सबे से कुछ मंगाया था, उसमें आधा खाना आया ही नहीं। अब गांधी वो कर रहा है, कंप्लेंट डाल रहा है ताकि हमारे को रिफंड मिल सके और जो चीज़ हमारी पेंडिंग है वो आ सके। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है कुछ अराउंड ऐसे ही, बाकी ऐसे ही बने रहो। अभी थोड़ा सा कुछ खाते हैं, उसके बाद मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। प्रियांशु भाई चाय बनाएंगे मस्त, एकदम बढ़िया सी चाय पियेंगे, उसके बाद हम घर चलेंगे 4 बजे के अराउंड, 3-4 बजे के अराउंड है ना, 3-4 बजे अपना घर चलेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर कल सुबह ऑफिस भी है, क्या पता कल मैं ऑफिस की छुट्टी कर लूँ। तो गाइस ऐसे ही बने रहो, फिर और क्या कर सकते हैं हम। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम दोनों भाई भूखे रहते हैं वहाँ पे, मासी के बच्चे भूखे रहते हैं, मेरी माँ मेरी अपनी मेरी मासी से लगी रहती है, दिन रात पूछती रहती है तुसी ऐ लिता सी, तुसी ओ लिता सी, आ सूट वधिया है, आ सूट वधिया है, ते आपा की करिए, ते दोनों बच्चे भूखे मर जाते हैं। हम लोग पूरा पूरा दिन मासियों से लगी रहती है, बताओ हम क्या करें गाइस।
हमारी माँ को कमेंट करके समझाओ कि मासी से ना लगे। अभी भी फोन कटा है मासी से बात करते करते। और हमारी हम पूरे दिन कान पे ऐसे टूटी बन के लगी रहती है फोन। हमारे को पता लगता गाइस हमारी प्लीज हेल्प करो, हम बहुत भूखे हैं। The next day. तो गाइस प्रियांशु भाई के घर आ गए थे हम और सामान ले गए थे। प्रियांशु भाई यहाँ पे मस्त एकदम कुकिंग कर रहे हैं। प्रियांशु भाई क्या बना रहे हो? ये बैटर सा भाई, ये ना वो है यार बैटर है, हनी चिल्ली पोटैटो नहीं ये उसका वो है, क्या नाम है, पेस्ट बनाया मैंने चाप का। चाप तो दिखाओ कहाँ है। चाप भाई इसके अंदर है, चाप है पूरे भाई, बहुत सारी है। प्रियांशु भाई तो कति शेफ है। और गाइस हमारे को वैसे ही खाने पीने का इतना शौक है। प्रियांशु भाई फिर अभी छत पे बोन फायर भी करनी है। बिल्कुल भाई। अरे भाई रात को हम 2 बजे घर पहुंचे हैं, केपी हो गया था मैं रोड पे। क्यों? तो भाई सुनसान रोड पे मैं क्या करता, मतलब तू क्या होगा? देख लो गाइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, हमारी माँ अपनी मासियों से लगी रहती है। देख लो लड़के यहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं, कुछ वो नहीं है, खाना खुद बना रहे हैं। मासी मेरी माँ मासी से लगी हुई है, फिर आंटी भाई मम्मी घूमने गई हुई है। देख लो यही होता है, लड़के हैं हमारे साथ, हमारे साथ ऐसे ही होता है ना प्रियांशु भाई। लो फोन आ गया किसी को। गॉड व्हाट इज दिस भाई, हम अपनी जो सोया चाप है उसके अंदर से स्टिक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इसको मैरिनेशन के लिए अभी इसके उसमें डालेंगे। किसमें? मैरिनेशन में, ये जो इसकी बना रखी है मैंने, ये इसमें डाला क्या है तो बताओ भाई। इसके अंदर मैंने सीक्रेट चीजें हैं, बाकी इसके अंदर कर्ड एंड मलाई, मैंने वो क्रीम फ्रेश क्रीम डाली हुई है एंड सीक्रेट मेरे थोड़े से मसाले। सीक्रेट क्या गुफा से निकाल लेते सीक्रेट? सीक्रेट ही है चाप ही चाप हो गई, चाप ही चाप। 24 अल्ट्रा आ रहा है जनवरी में, वो जनवरी तो चल ही रहा, सॉरी 17 तारीख को। मेरे को फोल्ड लेना है जल्दी से। अरे फोल्ड प्रियांशु भाई बेकार है, आप ही बताओ कमेंट करके फोल्ड सही है 24 अल्ट्रा सही है। मेरे पास 23 अल्ट्रा है और वो रेट बताने की जरूरत है नहीं। कितने का? 1,00,000 रुपए का, 1,10,000 के फ्रेश पेटी पैक चाहिए। चाप देखो गाइस कितने पीस है प्रियांशु भाई, 13 ना? नाइस मस्त एकदम शेफ, मास्टर शेफ प्रीतमपुरा में आपका स्वागत है गाइस। फटाफट से इसको मैरिनेट करेंगे, दिखाएंगे प्रियांशु भाई कैसे मैरिनेट करते हैं। पहले इसको कट कर लें एक बार, उसके बाद मैरिनेशन पे लगाते हैं हम इसको। अब जो हमारी चाप है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो पानी रह गया था हमने बॉईल की थी, अब हम इसको मैरिनेशन में डाल रहे हैं अपनी। ये हमारा मैरिनेशन है सारा जो हमने बनाया अभी पेस्ट। चाप तो बढ़िया लग रही है वैसे भाई, बहुत अच्छी है, जूसी एकदम है भाई, जूसी बनती है बढ़िया। इसके अंदर भाई जिंजर गार्लिक भी भरपूर है, क्योंकि हमें जिंजर गार्लिक के बिना चाप देखो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है। बाकी लेट्स सी कैसी होती है, टेस्ट करके बताएंगे। वैसे खाना तो बढ़िया ही है इनका, बस करो कितना निचोड़ोगे बाकी बाद में रहा नहीं जाता। कुछ और निचोड़ने के लिए भी निचोड़ दो। अरे भाई नींबू, नींबू भी तो निचोड़ने हैं प्रियांशु भाई, गलत सोच आप लोगों की गाइस, गलत सोच है। सोचा ही नहीं अभी भाई, गलत भाई मैंने अभी, इन लोगों ने तो सोच लिया था भाई। ये तो है भाई, यही खा जाता अभी तक। जेनवन क्या कह रहे हो, कच्ची भी होती है? गाइस मैरिनेशन तो हो गई, बाकी अब हम छत पे जा रहे हैं और क्या कहते हैं बॉन फायर वगैरह करते हैं, बारबेक्यू जलाते हैं, उसके बाद इसको मैरिनेट वो करेंगे, क्या कहते हैं ग्रिल करेंगे और मस्त एकदम उक्का उक्का लगाएंगे और इसको मस्त खाते हैं एकदम। ऐसे ही बने रहो, हम छत पे जाते हैं एक बार और मैं आपसे एक बार छत पे मिलता हूँ जाके। प्रियांशु भाई ने यहाँ पे आग लगा दी है। प्रियांशु भाई आग कितनी मुश्किल से लगी है बताना जरा भाई। वैसे लोग तो कहते हैं भाई आग लगाई लोगों के लिए तो बहुत आसान है, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें आग लगानी नहीं आती भाई। मुझे तो आती है, मुझे तो बहुत अच्छे से लगानी आती है, जो बात सच्चा है। अब आप कहोगे कि ये वाली आग या दूसरी वाली आग, तो मुझे दोनों आती है। अब आपको बताओ आपको कौन सी पसंद है। चाप सीख गई है प्रियांशु भाई, इतनी बढ़िया लग रही है ना भाई, बहुत बढ़िया लग रही है, टेस्टी भी है, बढ़िया बनाई है तो आपने वैसे ही है ना। यहाँ पे सेंटा क्लॉज बन के घूम रहे भाई, मजा आता है ऐसे ही। गिफ्ट तो दे दो मेरा गाइस, देखो चाप देखो, ओह माय गॉड ट्रू लव। तो गाइस घर आ गया मैं और इस टाइम पे बज रहे हैं 2:15 के अराउंड। तो मैं जस्ट अभी घर आया एंड अभी भी मैं गेट बजा रहा हूँ, घर वालों ने गेट नहीं खोला, तो मैं ब्लॉग को एंड कर दूँ मैंने ये सोचा एक बार को। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जल्दी जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दो गाइस। ठीक है।
ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, लोहड़ी स्पेशल व्लॉग, आप ऐसे ही बने रहो, आपको लोहड़ी स्पेशल व्लॉग बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो बाय गाइस।